हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव आर्य है और हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम यानी शरीर का पाचन तंत्र। तो यदि आप एक नॉलेज गेनर हो, स्टूडेंट हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर जनरली एवं ही कुछ जानना चाहते हो तो आप एकदम सही चैनल पे आए हो, एकदम सही जगह पे आए हो और एकदम सही वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शरीर का डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, अभी ये चीज़ें एकदम अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? क्योंकि इसको हम एक स्टूडेंट पर्पस से पढ़ेंगे और सीखने के पर्पस से पढ़ेंगे, ना कि किसी एग्ज़ाम में स्कोर करने के पर्पस से। तो हम इसमें पूरी तरह हर चीज़ जानेंगे डाइजेशन के बारे में, कि डाइजेशन होता कैसे है, क्यों होता है, क्या होता, सब कुछ जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं, जो शरीर का जो डाइजेशन होता है हमारे, इसको थोड़ा घुमा लिया जाए। हाँ, शरीर का डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में? तो डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से निकलता है जूसेस। ठीक है, इन जूसेस में होते हैं एंजाइम, जो कि खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा जो डाइजेशन होता है आयुर्वेद के अनुसार या फिर जनरल डाइजेशन के अनुसार, डाइजेशन के अनुसार ओरल कैविटी यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। शरीर का 55% डाइजेशन या 50% डाइजेशन हमारे मुंह से ही होता है। मुंह में एक टैलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि हमारे लार में होता है, खाने को और ज़्यादा सॉफ्ट करता है जिससे खाना और ज़्यादा कट सके। ठीक है, आपने चार टाइप्स ऑफ टीथ तो पढ़ेंगे, कैनाइन वगैरह। ठीक है, तो खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और वो नीचे भेजते हैं पेट में डाइजेस्ट करने के लिए और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मुंह में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि माल्ट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और ये लार में पाया जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है जादू। फिर ये खाना स्फेगस यानी जो ग्रास नली है उससे उतरता है और ये स्टमक पे पहुँचता है। ठीक है, अब स्टमक में पहुंच के क्या होता है? देखिए, स्टमक की जो वॉल्स हैं उस वॉल में क्या है, कौन सा एंजाइम होता है, क्या स्त्रावण होता है, हम जानेंगे। तो इससे HCL, ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिससे, और इस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? HCL यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में एसिड होता है भाई। ठीक है, दूसरी बात इसमें होता है पेप्सिन और तीसरा रेनिन। तो रेनिन का कार्य क्या है? इन दोनों की हेल्प करना है, HCL और पेप्सिन की। तो पेप्सिन क्या करता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, पेप्सिन जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन वो खाने से यहाँ पर करता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा स्टमक में होता है। क्लियर? फिर यहाँ से HCL से टूट टाट के खाना नीचे आता है। मेन डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो पेट का हिस्सा है यहीं पर होता है। ठीक, फिर इसके बाद खाना लीवर में आता है यानी लीवर से टच होता है। अब लीवर में क्या होता है? एक तो लीवर के बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, पूरे शरीर की यूरिया का निर्माण करती है, साथ साथ खाने के विषैले पदार्थों का भी एब्जॉर्ब करती है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर का सिस्टम इतने वेल मेंटेन तरीके से डिज़ाइन है कि वो जानता है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पर वो कभी कभी हम नहीं जानते, तभी उलपटांग की चीज़ें खाते रहते हैं। तो जितनी भी उलपटांग की चीज़ें होती हैं शरीर में वो हमारा लीवर एब्जॉर्ब करता है, पर इसकी भी एक सीमा है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं खिला देना कि जहर खिला दे तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ये फूड उतरता है गाल ब्लैडर में आता है। अब गाल ब्लैडर में क्या होता है? यहाँ से पित्त रस निकलता है। ठीक है, पित्त रस यानी पित्त जूस खाने में मिलता है, खाने को फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, देन ये खाना नीचे उतरता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जहाँ जगह है पैनक्रियाज में जाता है। अब पैनक्रियाज में क्या होता है? ठीक है, इसको हम जानेंगे। यहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, वो क्या होती है? अब ये हमारे अग्नाशय, इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियास को अग्नाशय कहते हैं। अब अग्नाशय में जब भोजन जाता है, खाना जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पर एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, अब ये टाइलिन क्या करता है? जो पहले हमारे पेप्टॉन्स थे, जो प्रोटीन से पेप्टॉन बन गए थे पेप्सिन एंजाइम से, अब ये टाइलिन क्या, सॉरी गाइस, यहाँ ट्रिप्सिन होता है, सॉरी जी, एकदम
ठीक है, तो पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, टाइलिन मुंह में होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं खुद हो गया था, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो ये ट्रिप्सिन होता है, अब इसमें एक एंजाइम होता है जो कि पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है, ठीक है। और एमिनो एसिड्स की क्या उपयोगिता है जल्दी से कमेंट करके लिख डालो, क्या ज़रूरी है एमिनो एसिड्स। फिर जब इसमें ये ट्रिप्सिन मिल जाता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स बन जाते, तो अब यही एमिनो एसिड्स यहाँ छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। बुम, अब एक क्वेश्चन आता है कि खाना सबसे ज़्यादा देर तक कहाँ पर रहता है पूरे शरीर में, तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर फूड से जो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुकी है जो चीज़ें, और जो और ज़्यादा छोटी छोटी हो चुकी है उनसे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिंस एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब जब ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है और प्योरिफिकेशन की क्रिया लगभग ख़त्म होने वाली होती है, तो रही सही कसर बड़ी आँत में, ठीक है, यानी बिग इंटेस्टाइन में पूरी होती है। फिर यहीं से ये खाना जो फूड था हमारा, ठीक है, पूरी तरह एब्जॉर्ब होके, इसकी एनर्जी होके ये पूरी तरह शरीर से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। तो एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन लेते हैं, मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है जो कि माल्ट को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। स्टमक में अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, यहीं HCL होता है और इसी में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, यूरिया का निर्माण करती है, पित्तरस का स्रावण करती है, ठीक है। पित्तरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा देर तक खाना रहता है, सबको समझ में आया, ठीक है। तो बोलो सत्यम बाबा की जय। इसी के साथ इस वीडियो का अंत है। अब यदि वीडियो पसंद आई हो तो भन्न भन्न लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट मारो, सब्सक्राइब मारो, कुछ भी करो पर लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।